नमस्कार, सीटेट के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और जो प्रश्न है इसको आप बहुत ही गहराई से समझिएगा, इसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत ज़रूर होगा, ये आपको समझ जाना चाहिए। ये प्रश्न है कि हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्म अनुभूतिकरण। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभिप्रेरणा की बात की गई है। तो अभिप्रेरणा आप जानते हैं क्या होता है, उसके लिए आपका पहला जो कंडीशन होता है वो होता है कि कोई ना कोई आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। और आवश्यकता के बाद कोई कोई ड्राइव होता है जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति कराता है, जिसके लिए आप अभिप्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो शुरुआत है अभिप्रेरणा की वह किससे होगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कौन सा आंसर होगा, सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्मानुभूतिकरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम्मान होगा, ये भी अगर आपको याद हो, मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया उसके अनुसार उन्होंने कुल 5 स्टेज दिए हुए थे, ठीक है, जिसमें आपका था शारीरिक, सुरक्षा, समाज संबंधी या प्रेम संबंधी, आत्म सम्मान और आत्म अनुभूतिकरण या आत्म अभिव्यक्तिकरण। तो यहाँ पे सम्मान जो था वो आपकी मूलभूत आवश्यकता नहीं थी, कि सम्मान की आवश्यकता जो आपकी पड़ती थी वो चौथे स्टेज में पड़ती थी। शारीरिक जो आपका था, शारीरिक आवश्यकताएं, ये आपका मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई थी। इसके बाद जो आता था आपका सुरक्षा आता था, उसके बाद सामाजिक या प्रेम संबंधी, और आपका उसके बाद आत्मसम्मान था, और लास्ट में आपका आत्म अनुभूतिकरण का यहाँ पे जो सिद्धांत था वो बताया गया था। अर्थात जो आपका आंसर है यहाँ पे वो है शारीरिक।